नेक्स्ट 25th में कॉनकेव लेंस विद अनइक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर मेड ऑफ ग्लास हैज फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर इन एयर इफ इट इज इमर्ज इन लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विल देन। चलो तो पहले तो एयर की बात कर लेते हैं। तो कोई कॉनकेव लेंस है, एयर में बात कर रहे हैं, तो 1/f एयर जब लिखोगे तो आया हुआ है 1.5 - 1/1 और क्योंकि अनइक्वल है तो ठीक है मैं ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फोकल लेंथ दे रखी है 40 है ना, और क्योंकि कॉनकेव लेंस बोल रहा है तो मैं -1/40 ले लेता हूं इसको, और भाई ये कुछ आया। अब ये सेम सिस्टम को मैंने किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया तो सराउंडिंग ये हो गया, तो 1/f मीडियम जो होगा वो कितना आ जाएगा, म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू सराउंडिंग 1/r1 - 1/r2 ऐसा होगा। R1 R2 मेरे को पता है भी नहीं, तो मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मैं डिवाइड कर दूं दोनों, है ना। तो अगर मैं 1/2 कर देता हूं तो मेरा जो आंसर आया वो कितना आ गया, F मीडियम बाय 40 इज इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस का 1/2, माइनस का 1/4 बचा हुआ है, और ये तो पूरा कट चुका, इधर आ गया है मेरे पास ये 1/2 है ना। तो ये मेरे पास फिर क्या बात आ गई है यहां पे, ये थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ है, पहले वो आ रहा है, तो पहले आ रहा होगा ये 1/2 और ये आ रहा होगा इधर माइनस का 1/4 है ना। तो ये कितना आ जाना चाहिए, फिर ये आ जाना चाहिए माइनस का टू आ गया है, यानी कि क्या लिखा जा सकता है, एफ कितना आ गया, फिर एफ मीडियम जो आ गया है वो आ गया है -2 × -40 यानी कि प्लस का 80 सेंटीमीटर, यानी कि लेंस पहले अगर कॉनकेव था तो वो कैसा बन गया, कॉन्वेक्स बन गया, या अगर पहले डाइवर्जिंग था तो वो कैसा लेंस बन चुका है, कन्वर्जिंग लेंस बन चुका है ना। तो 80 सेंटीमीटर का कॉन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाना चाहिए।